नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। चीन और भारत की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। अभी एक हफ्ते पहले ही खबर आई थी कि पेंगोंग लेक के पास चीन ने एक बड़ा युद्ध अभ्यास किया, लेकिन भारत सरकार ने इस खबर पर कहा कि हमारी नजर बनी हुई। इसी बीच आपको मालूम है कि कोरोना की वजह से भारत ने चीन की चूल्हे हिला रखी। जैसे कि चीन के 500 से ज्यादा वेबसाइट्स को भारत में बैन लगा दिया गया, जिसमें जो बड़े नाम थे वो ये कि टिकटॉक, शेयरइट, वीचैट समेत कई बड़ी कंपनियां देखते ही देखते धराशायी हो गई। लेकिन इससे तिलमिलाया चीन चुप रहा और उसका बदला अब जाकर ले रहा है। खबरों की माने तो चीन ने 6 भारतीय समुद्री उत्पादों का निर्यात करने वाली कंपनियों के उत्पाद पर रोक लगा दी और बहाना बनाया है कि इस पर कोरोना के वायरस मिले। लेकिन विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो ये तो बहाना, लेकिन असली निशाना भारत है, जो अब जाकर चीन ने बदला लिया। बात दरअसल यह है कि चीन पिछले साल की शुरुआत से ही दुनिया भर से आयातित सी फूड खाद्य उत्पादों की जांच कर रहा है। वो पैकेज में वायरस के निशान पाए जाने के बाद समय समय पर कंपनियों से आयात निलंबित करता रहा, लेकिन इस बार चीन ने कुछ अजीब हरकत की। चीन के सीमा शुल्क प्रशासन ने एक प्रेस रिलीज करके कहा है कि भारत के 6 कंपनियों के समुद्री उत्पादों के पैकेज पर वायरस के निशान पाए गए, इसीलिए इनका आयात 1 सप्ताह के लिए निलंबित किया गया। जानकारी देते चले कि दिसंबर 2019 में पहली बार वुहान में कोरोना के लक्षण पाए गए थे। चीन ने तो अपने यहाँ कड़े सुरक्षा इंतजाम करके इसे रोक लिया, लेकिन दुनिया में कोरोना फैलाकर मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन अभी भी चीन से कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं, जैसे कि ग्वांगडोंग से कोविड-19 के 6 मामले सामने आए, जबकि बुधवार को 15 मामले विदेशों से आने की जानकारी दी गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अभी भी ये बात जांची जा रही है कि कोरोना की उत्पत्ति कहाँ हो। कुछ वैज्ञानिक और राजनीतिज्ञ जोर देकर कह रहे हैं कि ये खतरनाक वायरस चीन से ही फैला और इसी को लेकर चीन के कई देशों के साथ संबंध खराब है और कईयों को तो चीन ने धमकी देकर चुप कराया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों चीन बौखलाया हुआ है और क्यों पागलों की तरह हरकत कर अपना ही नुकसान कर रहा है। देखना होगा कि भारत इस पर क्या रिएक्शन देता है।